वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट आप लोग की बेहद फरमाइश पर बिगनर्स के लिए चिकन बिरयानी बनाएंगे अंडर 30 मिनट्स, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास दो पॉट रखे हुए और दोनों चूल्हे ऑन हैं। झटपट बनाएंगे और बिगनर्स के लिए बहुत आसानियों के साथ बनाएंगे। तो ये जो पैन है जिसमें कुछ भी नहीं है, इसमें हम डालेंगे 1/3 कप तेल और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2-3 तेज पत्ते और 1 टीस्पून काला जीरा। अक्सर लोग मुझे कहते हैं बच्चियाँ कि भाई बिरयानी हमें इतनी पसंद है, फैमिली में इतनी पसंद है, लेकिन हमसे अच्छी नहीं बनती है या बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है ये काम। और मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊंगी कि आप झटपट बनाएंगे, उंगलियाँ लोग चाटते रह जाएंगे और मोस्ट ईजीएस्ट बिरयानी होगी इन द वर्ल्ड। ये ज़ीरा और तेज़पत्ते के साथ हम डाल देंगे या चिकन के छोटे छोटे पीसेस लीजिएगा। ये मेरी बोन के साथ चिकन है, 1 है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। तो इसको अब हम डाल देंगे अपने ज़ीरा और तेज़पत्ते के साथ। साथ ही इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 4-5 आलू बुखारे अगर हो तो डाल दें, टेस्ट अच्छा बनेगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे हम 5 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी, अगर आपके पास ना हो तो टमाटर जो है वो काट के डाल दें 1 लार्ज। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 5 टेबलस्पून दही। देखा, झटपट, बस थोड़ा थोड़ा जो भी घर में रखा हुआ है डाल देंगे और ख़तरनाक सी बिरयानी निकल आएगी झटपट। यहाँ हमारे पास है 1/2 कप तली हुई प्याज, जिसमें से मैं आधी डाल देती हूँ यानी 4 टेबलस्पून डाल देती हूँ और इसको मिला लेते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे चुटकी भर जर्दे का कलर, या मेरा रेड है, अगर आपके पास ऑरेंज हो, डार्क ऑरेंज या जो भी हो वो डाल दें, इससे कलर अच्छा बनेगा। देखिए, हार्डली 2-3 मिनट में तो हम इस पोजीशन में पहुंच गए। चलें, अब इसको हम कवर करते हैं और आ जाते हैं दूसरे पॉट पे। यहाँ हमने 16 कप पानी गर्म करने के लिए रखा है और डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून नमक और यहाँ हमारे पास 3 तेज़पत्ते हैं, ये डाल देंगे, 3 छोटी इलायचियाँ डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे, अगर केवड़ा है या बिरयानी एसेंस है तो 2-3 कतरे डाल देंगे, इससे अच्छी सी खुशबू आएगी चावलों में। इसके साथ ही चावल को मोर फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमारे पास देखें यहाँ हरी मिर्च है, इसके 1 हरी मिर्च के 2-3 टुकड़े करके डाल देंगे। यहाँ मेरे पास 3 टेबलस्पून तेल है जिसमें से मैं 1 टेबलस्पून डाल दूंगी और 2 रख लेंगे एंड में डालने के लिए। तो बस ये देखें, ये हमारा पानी जो है ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। इस मरतबा मतलब हमें चूंकि इतना जल्दी करना है, मेहमान अचानक से आने वाले हैं, हमारे पास चावल भिगोने का टाइम भी नहीं है, इतना फास्ट बनाना है। तो ये सिर्फ मैंने चावलों को वॉश कर लिया है, 3.5 कप चावल है, अगर आप चाहें तो 4 भी ले सकते हैं लेकिन 3.5 इज़ गुड। ये मैंने सिर्फ वॉश किया है, बासमती चावल है रेगुलर जो घर में होते हैं ना, इसको अब हम डाल देंगे अपने पानी में। और चावलों को हमें गलाना है 80%,
जितना पानी ज़्यादा होगा चावल जो है भीगे हुए नहीं होंगे लेकिन अच्छे बनेंगे। अगर आपने भिगोए नहीं है और अगर आप पानी कम लेंगे तब चावल इतने अच्छे नहीं बनेंगे। तो अराउंड 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको उबलने में, जब तक ये हमारा पक रहा है चिकन, और चूल्हा जो है वो मीडियम हाई है। देखिए अराउंड 5 मिनट हो गए हैं, चावलों को हम चेक करते हैं। तो एक दाना लेंगे और इसको इस तरह से हाथों से तोड़ेंगे यूं। अगर ये हाथों से दबाने से नहीं टूट रहे हैं लेकिन हमारे नाखून दबाने से टूट रहे हैं तो 80% हो गया। अगर हाथों से दब रहा है तब ऑलमोस्ट 90 क्रॉस कर गया जो कि हमें नहीं चाहिए। तब इस पॉइंट पर हम चूल्हे को करते हैं बंद और चावलों को स्ट्रेन कर लेते हैं। तो देखिए चावल तो झटपट हो गए। अब इसका ढक्कन खोलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा, ये जो स्टीम आई हुई है ना ये हमने इसी में डाल दी है। स्टीम को ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि वो मॉइस्चर हमें चाहिए। तो ये देखिए हिला के देख ले, चिकन जो है बड़ी अच्छी पोजीशन में है, ये जिस तरह से लिक्विड है इतना हमें चाहिए। अगर आपका बिल्कुल ड्राई हो गई हो सपोज तो थोड़ा सा पानी डाल दें, लेकिन अगर मीडियम लो पे रखेंगे तब इतना होना चाहिए पानी, मीडियम टू मीडियम लो पे। तो इस पर हम एक टमाटर की जो मैंने बारीक बारीक स्लाइस की है इसको सजा देंगे। हरा धनिया जो है एक स्मॉल हैंडफुल है इसको डाल देंगे। 2 हरी मिर्चें हैं तो इसके टुकड़े करके डाल देंगे। और यहाँ जो हमने 2 टेबलस्पून तली हुई प्याज बचाई थी ना ये डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास आधा नींबू है बड़ा सा, तो अराउंड हमें 2 टेबलस्पून चाहिए, तो ये डाल देंगे। यस, और अब हम अपने चावल डाल देंगे। बिरयानी बनाना भी बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार काम है, और खाना वो भी मज़ेदार काम है। और एवरेज 99.9% लोगों को बिरयानी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। इसको फैला लेंगे। देखिए गरम गरम चावल है, गरम गरम चिकन है, तो ये दम भी बहुत झटपट होगा। अब ये जो धनिया बचा हुआ ना थोड़ा सा ये डाल देंगे ऊपर, 1 हरी मिर्च और जो रखी थी वो डाल देंगे। और यहाँ देखिए चुटकी भर जर्दे का रंग है, इसमें कुछ कतरे जो है केवड़ा के या बिरयानी एसेंस के डाल देंगे, और उसमें अराउंड 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। इसको हिला लेंगे और अब इसे डाल देंगे। सारी जगह नहीं डालेंगे, सेंटर वगैरह छोड़ देंगे ताकि हमें वाइट चावल भी चाहिए ना। और अब ये जो हमने 1 टेबलस्पून हमने तेल जो है उबलते हुए चावलों में डाला था तो 2 टेबलस्पून हमने यहाँ डाल दिया। अब हम चूल्हे को करेंगे स्लो बिल्कुल। इसकी वजह ये है कि ये गर्मा गर्मी है, तो इस वक्त हमने मीडियम लो ही रखा था और अब बिल्कुल लो कर दिया है और कवर कर दिया है फॉर अराउंड 8 to 10 मिनट्स। तो चले मिलते हैं 8 to 10 मिनट्स में। देखिए 10 मिनट हो गए दम पर और खुशबुएं शानदार आ रही है। अब हम चूल्हे को करते हैं बंद और इसको हम डिश आउट करेंगे 5 मिनट में। देखिए 5 मिनट हो गए डिश आउट करते हैं और आपको खुशबुएं देते हैं। मानते हैं अंडर 30 मिनट्स है।
देखें एक दाना नहीं चिपका है, खिले खिले चावल है, हमारे मेहमान खुश, हम खुश, हमारा दिल खुश, पॉकेट खुश। तो देखा कैसे झटपट हमने खतरनाक सी बिरयानी बना ली अंडर 30 मिनट्स में। मानते हैं? मैं ट्राई करती हूँ और अब बताती हूँ कि लग कैसी रही है। ये देखें कैसी टेंडर सी है, जबरदस्त सी। खतरनाक है, कोई कह ही नहीं सकता कि ये हमने अंडर 30 मिनट्स बनाई है। ये आप लोग के लिए। सलाद नहीं है, रायता नहीं है, बिलीव करें किसी चीज की कमी नहीं है, सुपर खतरनाक है। एट द गुड थिंग कोई फोन कर रहा है कि हम रास्ते में हैं, उस वक्त आप लोग झटपट ये बना सकते हैं। और एक और बात, सपोज आपके पास प्याज लाल नहीं है, 2-3 मिनट का और डिफरेंस पड़ जाएगा। टोमेटो जो है वो छोटे छोटे काट के डाल दें। लाइफ ब्यूटीफुल, बनाना बनता है, परफेक्ट बिरयानी है। तो चले जल्दी ले जाए, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।